तो यहाँ पर संशय का विषय ये है कि भाई एक्सप्लोरिंग इंडिया ने अभी एक लास्ट टाइम एक वो बनाया था, एक वीडियो जो है बनाया था, उनकी भी बात यहाँ पर रखूंगा थोड़ी सी। हालांकि ये वीडियो मेरा पर्टिकुलर एक्सप्लोरिंग इंडिया के बारे में है, टॉपिक यहाँ पर और नहीं अच्छा लगता है कि इस तरीके की वोटिंग करा के आप अपने चैनल पर जो है डालो और वीडियो बनाते रहो कंटिन्यू। तो पहली चीज तो वोटिंग आपको करानी नहीं चाहिए। कहते हैं वहाँ पर जो है 50,000 लोग जो है जल करके जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, और जो कड़वा सच है वो जहाँ पर सभी लोग गए, अब तक बहुत से यूट्यूबर्स गए हैं, बहुत सारे हॉन्टेड बनाने वाले गए हैं, लेकिन बस ये है कि जो देखा है वो चीज़ बोलूँगा जरूर। तो वहाँ पर और उन्होंने वहाँ पर दिखाया कि भाई सागर का मुद्दा अलग है। मैंने जो पर्टिकुलर पढ़ा है अब तक, अंदर तक घुस करके इस चीज़ को जानने की कोशिश की है, सवाल करना चाहूँगा कि अभी लास्ट टाइम आपका एक वीडियो और आया, इसे आप इसमें देख सकते हो। इस वीडियो में आप जा रहे, मतलब नहीं 12 बजे गए हो, 1 बजे गए हो, वो भी कोई मतलब नहीं, आप तो वहाँ गए हो, ये बड़ी बात है। अब सवाल यहाँ जो बारीकी मैंने पकड़ी है कि आपने पहली चीज तो वहाँ पर गूगल टाइम अपना शो नहीं किया, इसको क्या माना जाए? खुल करके बताना चाहिए आपको ना कि क्या किस टाइमिंग पे आए हो, क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, क्या। मैं सबको सवाल पे अगर कहीं पे भी बारीकियाँ निकलेगी तो मैं उनको जो है लाऊंगा, ठीक है ना। यही हमारा विषय है और ये आप ही लोगों का कहना भी है भाई, ठीक है ना। तो नमस्कार मित्रों, हाजिर हो चुका हूँ मैं नंदन वाजपेयी आप सबके समक्ष, आपका अपना मित्र, आपका अपना दोस्त, आपका अपना सखा, जो भी आप समझते हो। और कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं और अपने आज के विषय को जो है यहाँ पर अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। भाई क्या विषय है, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हो आप लोग। तो मैं यहाँ पर विषय अपना रखना चाहता हूँ, आज का हमारा विषय है एक्सप्लोरिंग इंडिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा एक्सप्लोरिंग इंडिया के बारे में क्या तर्क वितर्क रखने वाला है। तो भाई मेरा काम ही है एनालिसिस करना, मेरा कोई अपना नहीं, मेरा कोई पराया नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई विद्रोही नहीं, ठीक है। जो भी बारीकियाँ कहीं से भी अगर मेरे को मिलती किसी भी वीडियोज़ में या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में, तो वो यहाँ पर तर्क वितर्क जरूर रखता हूँ। और चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जी हाँ, मैं एक्सप्लोरिंग इंडिया की बात कर रहा हूँ तो मैं 3 पॉइंट यहाँ पर उठाऊंगा एक्सप्लोरिंग इंडिया के। वो 3 पॉइंट ही केवल मेरे को ऐसे मिले हैं अभी तक। मैं एक्सप्लोरिंग इंडिया की जो है बहुत सी, मतलब अब तक अप्रिसिएट करता आया हूँ और मतलब अपने काफ़ी वीडियो में, अपने ज़्यादातर वीडियोज में उनकी तारीफ ही करता आया हूँ। और यार तारीफ करनी भी चाहिए क्योंकि उन्होंने काम अच्छे किए हैं अब तक किए, लेकिन एक संशय का विषय जब हमको मिल जाता है कहीं पर भी, एक संदेहयुक्त कोई बात मिलती है, तो उस बात को एक प्रश्नवाचक बना करके आप सबके समक्ष रखना और उनके खुद के समक्ष रखना कि अपना दायित्व है, तो वो रखना चाहिए। तो वही मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर संशय का विषय ये है कि भाई एक्सप्लोरिंग इंडिया ने अभी एक लास्ट टाइम एक वो बनाया था, एक वीडियो जो है बनाया था ओइजा बोर्ड का। अब उस ओइजा बोर्ड को बनाने का उनका जो है मुद्दा था मेन, उनकी पैरानॉर्मल सोसाइटी के जो एक चैनल है पैरानॉर्मल साइंस समथिंग, उनसे कुछ लेकर के, उनसे रिलेटेड लेकर के उन्होंने कुछ यहाँ पर वाक्य रखे थे जो, जिनसे मैं थोड़ा सा सहमति नहीं जाहिर करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे अल्फाजों का यूज़ किया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। राजेश भाई आपको और आशीष भाई आप लोगों को, आपका जो है सम्मान है हर चीज़ में और देता आया हूँ अब तक, लेकिन ये बात थोड़ी सी कहीं से समझ में नहीं आई मेरे को कि आप कह रहे हो कि आपकी ऐसी तैसी कर देंगे, तो ये अल्फाज उचित नहीं लगा। बाकी ठीक है, आपके अपने जो मुद्दे हैं उनसे और लाजमी भी है, लेकिन मैं दोनों ही लोगों को यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि सुशांत सर को लेकर के आप लोगों को अगर वीडियो बनाना है तो भाई देखिए, जो फैक्ट है वो सच यही है, बड़ा कड़वा सच है कि जो भी आदमी YouTube पर वीडियो अगर बना रहा है, सुशांत सर को लेकर के कितने भी वीडियो किसी ने बनाए हों इंक्लूडिंग मी यार, तो मैंने भले ही पक्ष अपना रियल वे पे रखा हो, लेकिन तो आप सभी ने मोनेटाइजेशन अपनी ऑन रखी उस वीडियो पर। और ये भी बात आपने जो है उठाई है, वो आपका कहना हर चीज़ में जायज़ था, मेरे को जायज़ लगा ये बात आपने जो उठाई कि सुशांत सर पर जो है इस तरीके के वीडियोज़ यूट्यूब पर बन रहे हैं वो गलत है, बनना भी नहीं चाहिए। बस इस बात से थोड़ा सा खेद जरूर हुआ कि आपने जो अल्फाज का यूज़ किया वो अल्फाज शायद आपको यूज़ नहीं करने चाहिए थे कि हम आपकी ऐसी तैसी कर देंगे आगे, ये अल्फाज गलत है। ठीक है, वो तो धीरे धीरे तुम्हारी ऐसी तैसी हम कर देंगे, लेकिन जो ऐसा
आप कंटेंट में उनसे खूब लड़ो और वो आपका दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, आपका पूरा राइट्स है, अधिकार है आपको, आप लड़िए कंटेंट में और अपना कंटेंट अच्छा करिए। वो अपना कर रहे हैं जो भी है। मैं यहाँ पर एक बात और भी रखना चाहूँगा कि क्योंकि आप भी अपनी जगह सही हो भाई, उनको भी जो है सुशांत सर को लेकर के इस तरीके के वीडियोस नहीं बनाने चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि बराबर पे पार्ट पे पार्ट पार्ट पे पार्ट वो बनाते चले जा रहे हैं, तो एक उनसे गुजारिश है अपनी भाई कि इस तरीके का काम वो ना करें। अगर वो पैरा नॉर्मल सोसाइटी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो उनको इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। ऑफ कर दिया, स्टेबलाइजर ऑन कर दिया, तो गड़बड़ हो रहा है। अभी मैं उनकी भी बात यहाँ पर रखूँगा थोड़ी सी, हालांकि ये वीडियो मेरा पर्टिकुलर एक्सप्लोरिंग इंडिया के बारे में मैं जो है टॉपिक यहाँ पर जो लेकर के आया हूँ, तर्क वितर्क अपना, लेकिन उनकी भी बात रखूँगा क्योंकि ताली जो है वो हमेशा दोनों हाथ से कहीं ना कहीं बजती है। उनका मुद्दा ये है कि वो उन्होंने सुशांत सर पर बहुत सारे पार्ट बना दिए और अब तक बनाते चले जा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं लोगों से पूछ करके बना रहा हूँ, वो लोगों को अपने यूट्यूब पर जो है क्वेश्चन दे रहा हूँ, वोटिंग करा रहा हूँ, और वोटिंग पे जब मेरे को बहुधिया वोट आ जाते हैं तब मैं वीडियो को बना रहा हूँ, तो गलत बात ही है। मैंने एक फोर्थ कम्युनिकेशन की थी रिलेटेड टू सुशांत भाई, सोचा मैंने था इसे पब्लिश नहीं करूं, लेकिन मैंने एक यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मैं इसको पब्लिश करूं या ना करूं, तो उस पे जो रिजल्ट आया है शायद कोई 20,000 वोटिंग हुई है, तो 89% लोगों ने कहा कि पब्लिश करो। ठीक है, मैं 89% के साथ जाऊंगा और जाना भी चाहिए क्योंकि मेजोरिटी होती है तो गवर्नमेंट भी बनती है उस पर। आप किसी पर्टिकुलर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, पहली थी तो वोटिंग आपको नहीं करानी चाहिए, नहीं है ठीक है, कौन हो, मतलब क्या मतलब बनता है वोटिंग कराने का उस व्यक्ति के बारे में जो आज अलविदा कह चुका है संसार को, और वो अलविदा किस वजह से कह गया या किसी भी वजह से वो चला गया है, पर वोटिंग कराने का आपको कोई राइट्स नहीं भाई। तो वकार भाई, ये आपसे सवाल है हमारा, आप पैरानॉर्मल सोसाइटी से जुड़े हुए व्यक्ति हो, आपकी अपनी एक गरिमा है, ठीक है, वो एक संस्था है जिससे आप जुड़े हो, उस संस्था की गरिमा आप बनाए रखो, ये एक मोटी बात है। और नहीं अच्छा लगता है कि इस तरीके की वोटिंग करा के आप अपने चैनल पर जो है डालो और वीडियो बनाते रहो कंटिन्यू, तो पहली चीज़ तो वोटिंग आपको करानी नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने मान लीजिए वोटिंग करा करके आपको अगर वोट्स वगैरह आपके फेवर में आए हैं, तो फिर आपने वीडियो जो बनाया उसको मोनेटाइज नहीं करना चाहिए था आपको, ठीक है ना, ये कड़वा सच है। देखो मैं सबके लिए बोलता हूँ और ये इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, वेदर कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो मध्यम वर्गीय हो, कोई मतलब नहीं बनता है। अपना काम भाई तर्क रखना है और मैं रखना हूँ, मेरे को कोई भी कमेंट्स कितनी भी बुरी करे अच्छी करे कोई मतलब नहीं अपने को इस चीज़ से। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लोरिंग इंडिया की बात करते हैं, राजेश भाई की बात करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, ये तो एक मुद्दा हो गया, इसको यहाँ पर किनारे करते हैं। हाँ, तो बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने पर आपको ले चलते हैं एक वीडियो पर जो अब तक जो है शायद हॉन्टेड प्लेस जो है वो अब तक की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहलाती है, जो कि मंसूरी उत्तराखंड के आसपास है, लंबी देहर माइंस के नाम से जानी जाती है। कहते हैं वहाँ पर जो है 50,000 लोग जो है जल करके जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी जो स्पिरिट से आत्माएं हैं वो आज भी वहां पर आवाज लगाती हैं, परेशान करती हैं, कई लोग वहां पर गए हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, एक्सप्लोरिंग इंडिया खास बात, मैंने आपका वीडियो देखा इस वजह से बता रहा हूं, लेकिन जो कड़वा सच है वो जहां पर सभी लोग गए, अब तक बहुत से यूट्यूबर्स गए हैं, बहुत सारे हॉन्टेड बनाने वाले गए हैं, लेकिन अब तक ओरिजिनल जो लंबी देहर माइंस है वहां पर जो ओरिजिनल जो लोकेशन है वहां पर अब तक कोई गया ही नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति अभी तक गया है, उसका नाम है सागर तिवारी। अब मैं यार सागर तिवारी को की फेवर नहीं कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं बनता भाई, उनकी भी कोई कमी होगी तो मैं बिल्कुल बताता हूं, दिल खोल के बताता हूं, और आगे भी कोई कमी निकलेगी तो दिल खोल के बताऊंगा, ऐसा नहीं है, कोई भगवान नहीं है यार अपनी नजर में, बस ये है कि जो देखा है वो चीज बोलूंगा जरूर। तो वहां पर सागर तिवारी और वहां पर गए, ओरिजिनल लोकेशन है, बताता हूं जो लंबी देहर माइंस आप गए हो, यहां पर आपने बताया है यहां पर ये है वो है, दुनियादारी पैंथर आती है, सब सच है। दिक्कत यहां पे एक ही है, वो है जानवरों की। जानवर भी कौन से, भालू, तेंदुए, साफ साफ बोल रखा है, पूरी मसूरी है, किसी भी लोकल से पूछ लेना,
क्या चाह रहा है भाई पैंथर, जहां भी आप खड़े हो वो भी एक डेयर की बात है, अच्छी हिम्मत की आपने, इस चीज को माना जा सकता है। और उन सभी यूट्यूबर्स को सलाम है भाई, उन सभी क्रिएटर्स को भी सलाम सैल्यूट देता हूं मैं, जो इतनी डेयर करके वहां पर भी गए हैं, जो लोकेशंस आप लोगों ने दिखाई, लेकिन सच ये है कि वो ओरिजिनल लोकेशन नहीं है, पहली चीज। तो कोशिश ये करो अगर नेक्स्ट टाइम आप जा सकते हो तो जहां सागर तिवारी गया उस ओरिजिनल लोकेशन पे, शायद आई थिंक 2.5-3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के आसपास वहां से है वो। अब वो कहां से है मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये जो क्लिप में आप देख सकते हो कि आप खुद भी यहां पर आए हुए हो और आप कह रहे हो ये है लंबी देयर माइंस, तो वो लंबी देयर माइंस नहीं भाई, ये एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, ठीक है। और सागर भाई वहाँ पर जाते हैं और उन्होंने वहाँ पर दिखाया भी, तो भाई सागर का मुद्दा अलग है। मैंने जो पर्टिकुलर पढ़ा है अब तक, अंदर तक घुस करके इस चीज़ को जानने की कोशिश की है, तो आई थिंक कि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जो वो माइंस, जो जहाँ से वो माइंस जो है 3 किलोमीटर दूर है, उस माइंस का जो 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 वगैरह जो डॉक्यूमेंट्री वर्क वगैरह होता था वो इस ऑफिस पे होता था जहाँ आप लोग आए हुए हो। तो ये जो ऑफिस है ये कोई हॉन्टेड नहीं है भाई, आप तो मान लो रात में गए हो, ये आपकी हिम्मत है, अच्छी बात है और इस हिम्मत को सैल्यूट देता हूं मैं, लेकिन झूठ को नहीं दे सकता ना कि ये लंबी देयर माइंस हॉन्टेड प्लेस है। क्योंकि शाम के समय आई थिंक कि वहां पर लोग मैगी पॉइंट भी रखते हैं उस चीज को, और इस तरीके से पिकनिक वगैरह भी लोग करने जाते हैं, ऐसा सुनने को आया, मैंने ऐसा सर्च भी किया है और दिखा है मेरे को। तो ये एक गलत बात हो गई यहाँ पर कि आप उस चीज़ को हॉन्टेड नहीं बता सकते। और हाँ, हॉन्टेड हम जैसे लोग वहाँ जाएंगे तो हमें हॉन्टेड लगेगी, हम लंबी देहर माइन ही क्या यार, हम कहीं भी पहाड़ में खड़े हो जाएंगे रात में अगर 7 बजे के बाद भी, तो हमें डर लगेगा, ये जाहिर सी बात, उसमें छुपाना क्या। आप लोग की हिम्मत को सलामी देता हूँ कि आप लोग डेयर करके जाते हो, पर उस लोकेशन को एटलीस्ट गलत मत बताओ, जो लोकेशन सागर तिवारी जहाँ गया वो असली लंबी देहर माइन है। माइंस का मतलब ही क्या समझो, कोई बिल्डिंग माइंस थोड़ी हो सकती, माइंस का मतलब है खान, ठीक है ना, जहाँ माइनिंग होती हो, तो उधर माइन है ना, ये माइन एक बिल्डिंग कैसे माइन हो जाएगी, ये सोचने वाला बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे विषय में, और तीसरे विषय में आपको ले चलते हैं यहाँ पर, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि अभी लास्ट टाइम आपका एक वीडियो और आया, इसे आप क्लिप में देख सकते हो। इस वीडियो में आप जा रहे हो एक कोई नदी है जो कि अलवर में पड़ती है, थोड़ा सा बारीकियां यहाँ पर मैंने पकड़ी है, उस बारीकी को आप देखना कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। इसका सिर्फ मैं जवाब मांग रहा हूँ, कोई एलिगेशंस नहीं लगा रहा हूँ आपके ऊपर कि यार आपकी तारीफ करता आया हूँ अब तक अपने सारे वीडियोज में, तो कोई इसको एलिगेशन मत मानना, और मान भी जाओगे तो भाई अपने को कोई कष्ट नहीं है, ठीक है ना, ये अपना तर्क वितर्क का अपना एक विषय, अपना कंटेंट मैं कर रहा हूँ। बाकी तारीफ करता हूँ आपकी, अगर अच्छा काम करते हो तो दिल खोल के तारीफ भी करता हूँ, और बारीकियाँ अगर मिलती तो दिल खोल के यार बारीकी भी बताता हूँ, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अभी आप अलवर गए थे, दिल्ली तो अलवर आप गए थे किसी नदी की तरफ, और वहाँ पर भी आपने रात में जा करके वो नदी शूट की, वो एक अच्छा बात है और वो एक डेयर की बात है, वो आपने हिम्मत की उस चीज़ को, तो जो है वहाँ पे भी जो है मैं सैल्यूट दे सकता हूँ कि भाई आपने हिम्मत की जाने की। शाम को 7 बजे गए हो, 9 बजे गए हो, कोई मतलब नहीं, 12 बजे गए हो, 1 बजे गए हो, वो भी कोई मतलब नहीं, आप वहाँ गए हो ये एक बड़ी बात है। अब सवाल यहाँ जो बारीकी मैंने पकड़ी है कि आपने पहली चीज़ तो वहाँ पर गूगल टाइम अपना शो नहीं किया, ठीक है ना, और गूगल टाइम ना शो करके आपने अपनी गाड़ी का समय शो किया, तो दुनिया जानती है गाड़ी में भाई समय हम लोग जो है एडजस्ट कर सकते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं अपने हिसाब से, सेटिंग उसकी कर सकते हैं, 9 को 1 भी बता सकते हैं और 9 को 5 भी बता सकते हैं और 7 को 8 भी बता सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। टाइम देख लो, बज रहे 9 और अभी यहाँ से लग जाएंगे हमें लगभग 4 घंटे। तो गूगल टाइम आपने शो नहीं किया, ये आपका फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, और भी कुछ हो सकते हैं वीडियोस, लेकिन अभी का ये बारीकी पकड़ में आई। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली से अलवर की जो दूरी आई थिंक समथिंग 4 घंटे की तो है ही, अप्रोक्स 3.5-4 घंटे के आसपास वो है, वो कंप्लीट 4 घंटे ही पड़ जाता है जाने में बाई कार। अब आपने वो व्लॉग शूट कर लिया अपना नदी वाला, और आपका व्लॉग करेक्ट 1 बजे, या करेक्ट नहीं बोलूंगा, अप्रोक्स 1 बजे आप ही के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आशीष, वो 1 बजे कंप्लीट हो चुका होता है व्लॉग, सुबह हो जाएगी पहुंचते पहुंचते, टाइम बच गया भाई, 1 तो बज गए। अब सवाल होता है कि जब 4 घंटे की दूरी अलवर की,
और जब कोई इंसान व्लॉग कहीं पर जा करके बनाता है तो यार एक घंटा उसको लग जाता है, ठीक है, कैमरे में सीन्स जो है कट भी करने होते हैं, बहुत सारे सीन्स होते हैं ऐसे जो आप लगातार कैमरा चलता रहता है, ऐसा तो नहीं कैमरा बार बार बंद करोगे, कैमरा तो लगातार चलता रहता है तो उसमें लग जाता है समय। बाकी घर में आकर के वो लोग एडिटिंग करते हैं, कुछ सीन्स हटाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो एक घंटा तो कम से कम लगा होगा ना, तो एक घंटा अगर वो जोड़ा जाए तो चार से हो गया पांच घंटा, और आपका व्लॉग खत्म हो रहा है 1 बजे और आप निकले हो 9:05 पे दिल्ली से, तो इसको क्या माना जाए? खुल करके बताना चाहिए आपको ना कि क्या किस टाइमिंग पे आए हो, क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, क्या है काली नदी खूनी नदी जो भी गए हो, मेरे को नहीं मालूम। तो ये कोई एलिगेशंस नहीं है, इसका बस जवाब दो अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में जवाब दो अगर हो सके तो। बाकी आपको यार पसंद करता आया हूँ, इतने दिनों से अपने वीडियो में तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बारीकियां निकलेगी तो भाई बोलूंगा जरूर, क्योंकि अन्य लोगों पर भी बोल रहा हूँ, सवाल उठा रहा हूँ, हमारे जो अपने हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ उन पर भी अगर सवाल बनता है तो मैं करूंगा, आप हो, सागर हो, दीपक भैया हो, कोई भी हो, मैं सबको सवाल पे जो अगर कहीं पे भी बारीकियां निकलेगी तो मैं उनको जो है लाऊंगा, ठीक है ना, यही हमारा विषय है और ये आप ही लोगों का कहना भी है भाई, ठीक है ना। सो होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग विद अनदर कंटेंट, नंदन वाजपेयी।